नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गठित एक कमेटी की जो बी शिक्षा के कर्मचारियों और शिक्षकों की मांगों को लेके उनको विचार करेगी और उनका निस्तारण करेगी, फिर उसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएगी। लेकिन क्या इस कमेटी में शिक्षा मित्रों की मांगें भी शामिल हैं? क्या इस कमेटी के द्वारा शिक्षा मित्रों की समस्याओं को भी सुना जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाएगा? इस संबंध में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी खबर आपको पहुंचा सकें। तो चलिए बात करें कमेटी के बारे में। तो आपको पता ही है कि शिक्षक और कर्मचारियों के मांगों को लेके उनके निस्तारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी गठित की, जो कमेटी अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी जी की अध्यक्षता में रखी गई है। और इस कमेटी का कार्य होगा कि वो शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण करें। अब इनमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं हम आपको बताएं। आपने आज वैसे सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर देखा होगा, एक अखबार की कटिंग में उन्होंने दिया है कि तीन संगठन अपनी अपनी मांगें इस कमेटी के सामने रखेंगे और उस पर विचार करने के लिए आग्रह करेंगे। सबसे पहले है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जो है आगे आएगा। उन्होंने पिछले कई दिनों से इस पर जो है संघर्ष किया है। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक बाइक रैली भी निकाली गई थी पूरे प्रदेश में और सरकार को पुरानी पेंशन बहाली के लिए कहा गया था। लेकिन अब दूसरा जो संगठन है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, वैसे तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी प्रयासरत है और उनकी मांग स्थानांतरण नीति को लेकर भी है कि म्यूचुअल ट्रांसफर की नीति लागू हो, जल्द से जल्द स्थानांतरण की नीति लागू होगी तो इससे कई शिक्षकों को लाभ होगा। जो कई महीनों से मामला लंबित है और इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, तो शिक्षकों की मांग है कि स्थानांतरण नीति भी जल्द से जल्द लागू हो। और तीसरी रही शिक्षा मित्र की मांग, तो शिक्षा मित्रों की मांगों को रखने के लिए उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव जी ने कहा है कि हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा मित्रों के लिए जो बनी थी वो सार्वजनिक हो, वो लागू हो या उस रिपोर्ट में क्या है सबके सामने आए और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे। तो दूरस्थ बीटीसी के प्रदेश अध्यक्ष ये मांग रखेंगे कमेटी के सामने कि उस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निस्तारण की कृपा करें। तो तीनों संगठन अपनी अपनी मांग रखेंगे और इसके बाद जब ये फाइल माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचेंगी तो किन किन मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की मोहर लगेगी ये तय होगा। आपको बता दें कि राजदान शिक्षा मित्र उत्थान समिति के जो पदाधिकारी हैं सत्यम दुबे जी, वो अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी जी जाके भी मिले हैं। शायद उन्होंने उसमें भी मांग पत्र रखी होगा अपना और उन्होंने भी शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए इस कमेटी में सिफारिश करने के लिए कहा गया होगा। उन्होंने पोस्ट देके ये बताया भी है कि जो अयोध्या में होने वाला यज्ञ था वो आर्थिक स्थिति की वजह से और कुछ अन्य कारणों की वजह से अपने नियत समय पर नहीं हो पाया, लेकिन 21 नवंबर को ये यज्ञ फिर से होगा और अपनी उसी ताकत अपनी उसी जोश के साथ होगा जो शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निस्तारण करेगा, जो शिक्षा मित्रों की तमाम जो मांगे हैं उनको पूरा करेगा। खैर देखते हैं कि 21 नवंबर को होने वाले इस यज्ञ में शिक्षा मित्रों को सफलता मिलती है या इस कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए कोई सरकार के द्वारा घोषणा होती है या नहीं। और चलिए हम बता देते हैं आपको इस कमेटी की रिपोर्ट में कौन कौन सदस्य हैं। तो आप इस पत्र में देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों व कार्मिकों के संगठनों से वार्ता व विचार विमर्श करने की मांगों व उनकी समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित समिति गठित की गई है, जिसमें अध्यक्षता निभाएंगे श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी अपर मुख्य सचिव गृह, और सदस्य रहेंगे अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग, और सदस्य सचिव रहेंगे श्री दीपक कुमार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा। ये उक्त समिति बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों व कार्मिकों के संगठनों की मांगों व समस्याओं पर विचार विमर्श करके उनकी मांगों व समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करना सुनिश्चित कराएगी। तो दोस्तों बस ये थी आज बेसिक शिक्षा की खबर और शिक्षा विषय से जुड़ी खबर। हम चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि हम ऐसी ही अपडेट आपको समय से दे सकें। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।